हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम स्क्वीनेस के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वीनेस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, और डिविएशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड इज नोन एज स्क्वीनेस। मतलब कि अगर हम तीन चीज़ें निकाल रहे हैं, दैट इज मीन मीडियन एंड मोड, और मान लीजिए मीन की वैल्यू आ रही है 3, मीडियन की वैल्यू आ रही है 4, और मोड की वैल्यू आ रही है 5, तो ये जो तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ये हमें शो करता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा डिविएटेड था। मतलब कि कोई कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुई होगी, जिसकी वजह से जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो एग्जैक्टली सेम फिगर नहीं आ रहा है। अगर तीनों चीज़ों की वैल्यू, दैट इज मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड अगर आएगा, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम सिमेट्रिकल होगा। मतलब अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड करूंगा तो हमें दो इक्वल हाफ मिलेंगे। ये दो इक्वल हाफ क्या बताएंगे? दैट हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी लाई इन दिस ग्राफ एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी लाई इन दिस ग्राफ। तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या तो डेटा कलेक्शन था, वो क्या इक्वल था या नहीं था। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द टाइप्स ऑफ स्क्वीनेस, दो टाइप हो सकते हैं बेसिकली, पॉजिटिव स्क्वीनेस एंड नेगेटिव स्क्वीनेस। पॉजिटिव स्क्वीनेस क्या होता है? जब मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। मतलब सबसे बड़ा हो मीन, दैट इज फॉर एग्जाम्पल मीन की वैल्यू है 5, मीडियन की वैल्यू है 4, और मोड की वैल्यू है 3। सो व्हेन मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, देन वी गेट अ पॉजिटिव स्क्वीनेस। पॉजिटिव स्क्वीनेस जो होता है वो राइट साइड पे ज़्यादा बल्ज्ड होता है, जिससे कि अगर हम यहाँ पे अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है और यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस है। ये वाला जो साइड है, राइट वाला जो साइड है, जो ज़्यादा स्क्वीड है, वो ज़्यादा एरिया अंडर द कवर ग्राफ कवर कर रहा है, और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताता है। तो राइट साइड पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेफ्ट साइड पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी। तो मान लीजिए कि ये बीच में जो वैल्यू आ रही है, ये एग्जैक्टली इसकी सेंट्रल टेंडेंसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है। एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव स्क्वीनेस। नेगेटिव स्क्वीनेस कब आती है? व्हेन मोड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि मोड की वैल्यू है 5, मीडियन की वैल्यू है 4, और मीन की वैल्यू है 3। तो जब मोड सबसे ज़्यादा हो जाता है और मीन सबसे कम हो जाता है, तो हमें मिलती है नेगेटिव स्क्वीनेस। नेगेटिव स्क्वीनेस में क्या होता है? अगेन आप देखोगे कि यहाँ पर भी एसिमेट्री है, लेकिन इस बार क्या है कि एरिया अंडर द ग्राफ इन द लेफ्ट सेगमेंट इज मोर देन एरिया अंडर द ग्राफ इन द राइट सेगमेंट। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आपकी सेम होगी, पॉजिटिव स्क्वीनेस हो या नेगेटिव स्क्वीनेस हो, उसमें डेटा कलेक्शन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम सेम ही रहेंगी। बट हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि किसमें, मतलब जैसे अगर ऊपर वाला आपको ग्राफ आ रहा है तो मतलब इसमें मीन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर नीचे वाला ग्राफ आपको आ रहा है मतलब कि मोड की वैल्यू ज़्यादा हुई होगी। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि अब हमें कैलकुलेट करना कैसे करना है। स्क्वीनेस हम मेजर कर सकते हैं इनसे टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट उसको कैलकुलेट कैसे करना है, मेजर कैसे करना है, तो उसके लिए जैसे हमने लास्ट वाले वीडियो में देखा था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, वैसे ही हम यहाँ पे भी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट को यूज करते हैं, जिसमें स्क्वीनेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वीनेस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जेड। इधर पे एक्स डैश क्या है? एक्स डैश मतलब कि अरिथमेटिक मीन, जो हमने सेंट्रल टेंडेंसी में निकालना सीखा था, तो वहां से हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, और कार्ल पियर्सन मेथड से हम जेड वैल्यू निकालेंगे। जेड वैल्यू मतलब कि आपका मोड हो गया। तो एक्स मतलब दैट इज अरिथमेटिक मीन माइनस मोड इज योर स्क्वीनेस। और सिमिलरली स्क्वीनेस का कोएफिशिएंट भी निकाला जाता है। कोएफिशिएंट मतलब जैसे आपके पास दो वेरिएबल चीज़ें होती हैं, एक कोएफिशिएंट होता है, एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, बट कोएफिशिएंट आपका कांस्टेंट रहता है मोर ऑर लेस। अब कोएफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जे से, वेयर जे इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अरिथमेटिक मीन एंड माइनस मोड ये तो आपका सेम ही है। मतलब अगर आप स्क्वीनेस को स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दोगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन क्या था? सिग्मा। तो अगर आप इस एक्स माइनस जेड को अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज सिग्मा से डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। नेक्स्ट इज, अच्छा यहाँ पे आपको अगर आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, तो आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू है वो +3 से -3 के बीच में लाई करेगी। तो स्क्वीनेस जो होती है उसके लिमिट्स होती है,
मतलब वो माइनस थ्री से कम नहीं जा सकता और प्लस थ्री से ज्यादा नहीं जा सकता। और जितनी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, माइनस थ्री की तरफ एक्सट्रीम होती हैं, प्लस थ्री की तरफ एक्सट्रीम होती हैं, तो वो आप ऐसे डेटा को आप रिजेक्ट कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको 95% एक्यूरेसी या 99% एक्यूरेसी चाहिए आपके डेटा में, तो आप इस डेटा के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हो, बिकॉज उसमें स्क्यूनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में जो डिविएशन है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है। एंड लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्यूनेस एंड डिस्पर्जन। दोनों काफ़ी टर्म्स सेम लगते हैं, बट डिफरेंस क्या है कि डिस्पर्जन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का गैप होता है। डिविएशन इन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज डिस्पर्जन, वेयर एज डिफरेंस इन सेंट्रल टेंडेंसीज और डिविएशन इन सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें बताता है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस से डेटा के ऊपर ऐसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा होता है तो उससे डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।